हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हम बनाने जा रहे हैं लेस डिज़ाइन। इसे दुपट्टा पे, स्लीव्स पे बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कॉटन थ्रेड और 90.85 mm की निडल। इसे हम बीट के साथ बनाएंगे। अभी इसे बनाना शुरू करते हैं। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये मैंने सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ पे अटैच किया है। अब इसके बाद तीन बार चेन बनाएंगे और फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से तीन चेन, सिंगल क्रोशिया। इस तरह से हमें बेस लाइन बना लेना है। तीन चेन सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है पहले गैप में। और उसके बाद दो बार चेन, फिर ये एक गैप छोड़ के दूसरे गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये गैप जो बन गया है, एक चेन बनाने के बाद गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे छह बार। छह बार डबल क्रोशिया बन गया। अब इसको टर्न कर लेंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर उसके ऊपर गैप में डबल क्रोशिया बनाना है। हर गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसको टर्न कर लिए, एक चेन। अब यहाँ पे एक बीड लगाएंगे। फिर से छह बार डबल क्रोशिया बनाना है।
अब यहाँ पे दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद एक गैप छोड़ के दूसरे गैप में डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे छह बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे इसको बनाए थे इस तरह से बनाना है। अब इसको टर्न करने के बाद एक चेन बनाएंगे और फिर एक बीट लगाएंगे। अब इसके बाद हर गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे छह बार। इस तरह से बनाना है। बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, आप भी इसे ट्राई करें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं ये डिज़ाइन आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। फिर इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे न्यू डिज़ाइन के साथ। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।